Okay, so let's start physics. In the last Yes, sir. class, we have discussed about the superimposition of waves. From the interference में थोड़ा सा इंटरफेरेंस को थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश किए थे एंड दिस इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ सुपरइम्पोजिशन ऑफ वेव्स. अगर हमारे पास दो वेव है, दिस इज वन वेव. बोर्ड दिख रहा है सबको? चेक द क्लैरिटी. क्लियर. तो दिस इज वन वेव एंड देयर इज अनदर वेव और इन ये दोनों वेव में अगर कोई सुपरइम्पोजिशन होता है, ये दिस वेव्स ऑफ सुपरइम्पोज्ड, अगर इनके बीच में सुपरइम्पोजिशन होता है तो ये इस तरह से या तो एक बड़ा वेव बनेगा या एक छोटा वेव बनेगा डिपेंडिंग ऑन कंडीशन. तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को इंटरफेरेंस कहा जाता है. जो कंडीशंस था उस कंडीशंस पे हम लोगों ने सिंपल कंडीशंस में पहला हमने कहा था कि वेव्स जो है वो पैरेलल होनी चाहिए, पहला. सेकंड, वेलोसिटी आइडेंटिकल होने चाहिए दोनों वेव पर. थर्ड, एम्पलीट्यूड सिमिलर होनी चाहिए. एम्पलीट्यूड अगर सेम हो तो बेस्ट है, अदरवाइज सिमिलर होनी चाहिए. फोर्थ हमने कहा था आइदर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, दोनों में से किसी एक को भी हम आइडेंटिकल ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. अब दोनों में से इसको आर इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ तो आपने वेलोसिटी आइडेंटिकल रख ही लिया है. दोनों में से कोई भी एक अगर कोई आइडेंटिकल होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली आइडेंटिकल हो जाएगा, है ना. सो दैट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये भी बराबर सेम होनी चाहिए. और एक और टर्म है दैट इज कोहेरेंट होनी चाहिए, मींस इनका जो फेज है, फेज डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए. ये कांस्टेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर ये फाइव कंडीशंस को ये दोनों वेव्स फुलफिल करते हैं तो हमारे पास आउटपुट के फॉर्म पे या तो ये आएगा या फिर ये. अगर इसका एम्पलीट्यूड हमने लिया था a1, इसका एम्पलीट्यूड लिया था a2, इक्वेशन के फॉर्म में लिया था y1 = a1, sin के टर्म में लिया था ओमेगा t, और इसको थोड़ा सा फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, एंड दिस y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस 5. और दोनों को सुपरइंपोज कराने का जो आउटपुट आया था दैट आउटपुट वाज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 एंड आउटपुट वाज टेकन एज r मल्टीप्लाइड बाय कॉ सॉरी दिस वाज sin एंड दिस वाज ओमेगा t प्लस थीटा. तो ये फ्रीक्वेंसी जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी थी सर द फिजिक्स सिस्टम सर जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी थी फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल. एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा है, एम्पलीट्यूड यहां पर a1 था a2 था, दोनों जब जोड़ा तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू r हो जा रहा है. साथ ही साथ इनका जो फेज है आउटपुट जो है ये फेज डिफरेंस जो है वो भी इससे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है. तो हमने r कैलकुलेट किया था और थीटा कैलकुलेट किया था वेयर r = रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस 5 और साइन एंड दिस थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स दैट इज ए टू साइन 5 by a1 plus a2 cos 5 equal this theta. तो कहीं कहीं पर तुमको fundamental questions लिए जा सकते हैं कि a1 की value इतना है, a2 की value इतना है, तो resultant में r की value कितना होगा, तो a1 और a2 को रख करके face value रख करके तुम निकाल के दिखा सकते हो कितना angle रहेगा. face angle भी यहाँ पर put करके तुम्हें a2 और a1 calculate करना, pi की value calculate करनी है और ultimately you can get the result. So this is r and theta. और इसके बाद फिर हम कुछ conditions लाने की कोशिश किए थे कि y ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा या एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा, इसके लिए हम लोगों ने किया था. तो r मैक्सिमम दिस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू डिपेंड्स ऑन दिस a1 और a2 तो फिक्स है, जो भी वेरिएशन होना है दैट वेरिएशन इज बिकॉज़ ऑफ दिस cos 5. तो cos 5 की वैल्यू अगर कोई मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा. तो इसके लिए r मैक्सिमा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 कब, जब हम cos 5 की वैल्यू ले रहे थे 1. अगर cos 5 अगर 1 लेते हैं ये हो जाएगा तुम्हारा a1 plus a2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के फॉर्म में है, तो r मैक्सिमा इज इक्वल टू a1 plus a2. सो इन दिस केस द एम्पलीट्यूड इज तो दिस एम्पलीट्यूड इज a1 plus a2 एंड इन द सेकंड केस वेयर दिस वी आर टेकिंग दिस r मिनिमा मिनिमा जब हम ले रखे हैं उसमें इसकी वैल्यू आ रहा था a1 minus a2 कब, जब हम cos 5 की वैल्यू ले रहे थे -1. तो ये cos की वैल्यू जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिकली भी नो, ये +1 से -1 से +1 तक होता है. हमने मैक्सिमम में ले लिया था +1 को, मिनिमम में ले लिया था -1 को, तो ये a1 - a2 आ गया था.
So in this case here, this amplitude is equal to A1 minus A2. Then next step, क्योंकि हम intensity की बात करते हैं यहाँ पर, intensity के form में भी हम लोगों ने इसको calculate करने की कोशिश किया था. Then this intensity I is proportional to A square. I जो रहता है A square proportional होता है, एक constant हम यहाँ ले सकते हैं. इसको intensity के term में हम लिख रहे थे, तो that term I is equal to this is I R resultant, that is equal to there is no root term. I1 plus I2 plus root of I1 I2 cos phi this terms and there is one root term 2 multiplied by 2. Even one can write this in terms of intensity. So that this will be with the root I2, this is root I1, this is root I2. Generally this is not required, but if you want to write, you can do. So root I1, root I2, and root I2 killing the head. So यहाँ पर cos phi की value अगर कोई आप one लोगे तो ये r maximum हो जाएगा. अगर कोई इसको अगर कोई minus one लोगे तो ये minimum हो जाएगा. तो हमने finally एक ratio के form में इसको लिख लिए थे. That was I maxima by I minima, that was equal to I1 plus I2 minus I1. So this was root I1 plus root I2 square, is it? By root I1 minus root I2. So square? No. I maxima, that is equal to I1 plus I2 plus 2 root of I1 I2. So that will be with the square form. This is with the square form, and this is also with the square form. So this is the ratio of intensity. Even R maxima or R minima, if you want to calculate, so R maxima by R minima, that is equal to A1 plus A2 by A1 minus A2. So ratio ke form mein, is the ratio. अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस cos phi एंड देन द रिलेशन ऑफ दिस फेस. सो cos phi इज 1, द कंडीशन फॉर मैक्सिमा. हां सर, एक और केस निकाले थे इस वाले में, a1 और a2 की वैल्यू आइडेंटिकल होनी चाहिए, r की वैल्यू में डालते थे तो इनफिनिटी हो जाती. सो इफ वन स्पेशल केस वी कैन कंसीडर, if this a1 is equal to a2 is equal to a, then this r that is equal to 2a, this is equal to 2, r max is equal to a2 here, r max that is equal to 2a, and r minimum that is equal to 0. So the intensity will be that intensity that is equal to 4a square, and here our maxima is our minimum. So the, for the best contrast, this is the condition, and we will discuss in we will discuss further. So this is I is equal to 4a square and I minima that is equal to 0. So ye r ki value now back. So for maxima, what we are observing, English ज़्यादा हो जाए तो बात नहीं भाई है ना. So condition for maxima, it is cos phi must be equal to 1. Cos phi ki value 1 ke barabar hona chahiye. So this phi, this is equal to 2n multiplied by pi. Agar pi ka even multiple hota hai, so this phi is phase difference pi, this is equal to, this must be equal to 2n pi. And condition for minima, this is condition for minimum, means this is for minimum amplitude or minimum intensity. So this cos phi that must be equal to minus 1, and this phase difference
phase difference phi, that must be equal to 2n plus minus. You may take the plus or minus, but there is no issue. So 2n plus minus pi. So this is even multiple of pi. Even multiple of pi. This is odd multiple of. So if the phase difference is odd multiple of pi, then you will get minima. If the phase difference is even multiple of pi, then we will get maxima. तो हमें हाई इंटेंसिटी का आउटपुट तब मिलेगा जब फेज डिफरेंस इस ऑर्डर पे हो, और अगर लो इंटेंसिटी का तब मिलेगा जब फेज डिफरेंस जो है और मल्टीपल हो पाए। इसको पाथ डिफरेंस के साथ भी कोरिलेट किया जाता है। तो द पाथ डिफरेंस, इस कंडीशन को हम पाथ डिफरेंस के साथ भी ले सकते हैं। तो जनरली वी यूज पाथ डिफरेंस, जस्ट हैव path difference this path difference is represented by delta and this is equal to lambda upon 2 pi multiplied by phase difference. You have to remember this phase difference. Okay, so this is the condition with phase difference. So path difference we convert kar le. So this is equal to, for the first condition, for maxima, what will happen? This is delta is equal to lambda upon 2 pi multiplied by phi. Phi is 2n pi. So this is 2n pi. So this is equal to 2n multiplied by lambda by 2. Means even multiple of, and this is even multiple of lambda by 2. And for minima, this is delta, it is equal to lambda by 2 pi multiplied by, this is the terms 2n, this is 2n plus minus 1 pi. So this is 2n plus minus 1 lambda by 2. So this is odd multiple of lambda. So the phase difference is even multiple of pi, and the path difference is even multiple of lambda by 2, then this is the condition of maximum intensity और मिनिमा दिस लैम्डा, अगर ये लैम्डा बाय पाई, सॉरी डेल्टा, अगर कोई लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल हो, या फेज डिफरेंस पाई अगर कोई पाई का ऑड मल्टीपल हो, तो हमारे पास मिनिमा होगा। ओके, यहां तक क्लियर है? यस सर। यहाँ तक तो तुम लोग किए भी थे ट्वेल्थ क्लास में, ये सब चीज किए हो। अब उसमें किस लेवल पे किए हो, किस ढंग से किए हो, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा है इंटरफेरेंस के जैसे चैप्टर आया तो लोग मैथमेटिक्स के पीछे भागते हैं, धड़ाधड़ कैलकुलेशन कर लिए, लेकिन उसका फिजिक्स क्या आना है ये नहीं रहता है ना। सो एक्चुअली आई एम ए फिजिक्स टीचर एंड तुमको भी फिजिक्स पढ़नी है। सो जब कभी भी तुमको डेरिवेशन आता है तो प्लीज डोंट डू मैथमेटिक्स ओनली, उस मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स क्या है अगर उसको बहुत अच्छे से लिखते हैं तो तुमको पूरा मार्क्स मिलेगा, है ना। तुमको 8 में से 5 नंबर या 6 नंबर क्यों मिला है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, बिकॉज तुमने जहां कहीं पर भी जरूरत पड़ी मैथमेटिक्स ज्यादा किया है, फिजिक्स वहां पे कम किया हो। फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट फिजिक्स भी है, डू नॉट जस्ट डिराइव दैट एक्सप्रेशंस। एनीवे, सो दिस इज डेटा, दिस इज दैट रिलेशन फॉर द अब ये जो कैलकुलेशन ने किया है सिर्फ दो केस को लेकर के हमने सी है। हां जी, कुछ ने कुछ कहा, मतलब कि जैसे मिस्टेक हुआ है फिजिक्स में तो उसको मतलब सीनियर्स के हम लोग तो पेपर्स भी देख सकते हैं क्या, कि किस वे में हम लोग आंसर रिप्रेजेंट करें। चलिए, वो आंसर कैसे लिखना है वो तो हम ही बताएंगे, है ना। अभी तो फिलहाल तुम लोग अपना मार्क्स देख लेना, उसके बाद फिर बताते हैं।
सर फेज डिफरेंट, फेज डिफरेंस सर कैमरा पता नहीं चल रहा है। पाथ डिफरेंस पे टू व्यूज देखो, अगर बाय में यहां पर कहीं पर इंटरफेरेंस होना है, इंटरफेरेंस होना है मतलब दो वेव्स को सुपरइम्पोज होना है, तो सुपरइम्पोज होने से पहले वो जितना पाथ ट्रेवल करते हैं उसका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी पाथ डिफरेंस। और फेस में चूंकि फेस टू वेव्स हैं तो दोनों वेव्स के बीच में कुछ माइन्यूट एंगुलर डिफरेंस होता है, जैसे साइन और कास के बीच में क्या कहा जाता है, साइन और कास के बीच में पाई बाई टू का एंगुलर डिफरेंस होता है, यू नो। सो वो जो दो वेव्स के बीच में जो दो वेव के बीच में जो एंगुलर डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज द फेज डिफरेंस। दैट्स व्हाई दैट एंगुलर डिफरेंस इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म में या पाई बाई के टू के टर्म में हम लोग लिख रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब वही चीज जो है वो पाथ के टर्म में आ रहा है तो उसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेमडा एक्चुअली इंडिकेट्स द पाथ द लेंथ। ओके सो द लेंथ डिफरेंस इज द पाथ डिफरेंस। जब हम और आगे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तुमको समझ में आएगा किस ढंग से होगा। हम अभी तो इसके बाद हम लोग सारे कैलकुलेशन जो है वो पाथ डिफरेंस के टर्म में करने की कोशिश करेंगे। एनीवे सो अब हमारे पास हमने ये जो कैलकुलेशन किया है वो दो वेव्स के इंटरफेरेंस के लिए किया है। हमारे पास अगर कोई एक ब्रॉड बीम अगर कोई आ रहा है हाँ, तो उसमें बहुत सारे वेव्स होंगे, बहुत सारे वेव्स होंगे तो कुछ वेव्स जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के कंडीशन को फुलफिल करेगा, कुछ वेव्स जो है वो मिनिमम इंटेंसिटी के कंडीशन को फुलफिल करेगा क्योंकि ब्रॉड वेव्स है। सो वी हैव सो मेनी वेव्स कमिंग, ऐसे बहुत सारे वेव्स हैं और बहुत सारे वेव्स की जो है वो दो दो का पेयर बन करके ये सुपर इम्पोज करेंगे और सुपर इम्पोज करने से कुछ वेव जो कि हाई इंटेंसिटी के कंडीशन फुलफिल करेगा, कुछ वेव्स लोअर इंटेंसिटी के कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो हमारे पास एक पैटर्न आता है, अ पैटर्न ऑफ दैट हाई इंटेंसिटी, दिस इज द पैटर्न ऑफ हाई इंटेंसिटी एंड लो इंटेंसिटी। So this is that the low intensity patterns like this. So output जो रहता है, output जो रहता है उस output में equidistance पे high intensity के patterns होते हैं. This is the high intensity points, high intense. और ये जो points है, this is low intense point. तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर waves जो है वो lower intensity का जो condition है उसको fulfill किया तो ये आउटपुट में ये आ गया। हाई इंटेंसिटी का जो कंडीशन है उसको ये फुलफिल किया। तो एक स्पेशल देखिए फेनोमेना में भी यहाँ पर ये एक प्रकार से कह सकते हो कि एक नेचुरल फेनोमेना है ये, तो नेचुरल प्रो देखिए कि किस प्रकार से ये इक्विडिस्टेंस सारे पैटर्न्स जो है वो रहता है, सही रेंडर मैच नहीं होता है, रेगुलराइज होता है। एंड दिस पैटर्न इज नोन एज इंटरफेरेंस फ्रिंज। इसको इंटरफेरेंस फ्रिंज कहते हैं। So when two or more than two waves superimpose, then it distributed in form of, the output is distributed in form of a pattern of low intensity and high intensity points. यहाँ पर superimpose हो रहा है, है ना? When a group of parallel waves, fulfilling all the conditions of interference, superimpose, then this converts or this gives a pattern of alternate bright and dark points. This is known as interference pattern. इसको interference pattern या interference fringe कहा जाता है। This is known as interference pattern or interference fringe. तो when we have a group of waves and this group of waves which are moving parallel, ये parallel motion में है। और साथ में ध्यान में रखना है, हमने जितने पांच तुमको conditions बताए हैं, वो सारे five conditions को ये fulfill कर रहा हो। तो आफ्टर सुपरइम्पोजिशन ये इस प्रकार का एक पैटर्न फ्रिंज बनाता है, जिस फ्रिंज में अल्टरनेट डार्क पॉइंट्स और अल्टरनेट ब्राइट पॉइंट्स होते हैं, एक फ्रिंज बनाता है। इसको कहा जाता है दिस इज इंटरफेरेंस फ्रिंज, और जिस फेनोमेना की वजह से ये मिलता है उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। एंड द फेनोमेना इज नोन एज
phenomena of light is known as interference. इसको इंटरफेरेंस कहते हैं। ये जिसके ये जो ब्राइट पॉइंट्स हैं, ये जो ब्राइट लाइंस हैं, इस ब्राइट लाइंस के बारे में कहा जाता है। ये सेंटेंस समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हालांकि बोर्ड में इतना लिखने का ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि तुम लोग तो गूगल सेंसर लिखे हो, है ना। मैं इतना ये कर करके पूरा बोर्ड में एक एक चीज को एक्सप्लेन किया, लेकिन जब तुम्हारे आंसर लिखने की बारी आई तो तुमने आउटपुट वैसा दिया, तो मैंने रिफ्लेक्शन जो ऐसे दिया है अपने आंसर से देखना, उसके बाद फिर से उसको लिखना। इतना वीडियो बना के डाला, इतना बोर्ड में लिखा, इतने तुमको राइटर भेजे, लेकिन आउटपुट जो आया है वो आउटपुट वही ढाक के तीन पात। मेरा तो वीडियो वाला है सर आंसर। वही नहीं, जिसका वीडियो वाला होगा ठीक ठाक अगर लिखा होगा तो उसको अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है बात है। तुम लोग को लगा होगा सर कहाँ से पढ़ेंगे बेटा, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले में से हूँ, प्रॉब्लम ये। सो हाई इंटेंसिटी दिस इज, एंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ लो इंटेंसिटी, दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कल तुम लोग कल क्लास में भी पढ़े होंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। So, कुछ वेव्स हैं जो हाई इंटेंसिटी वाला कंडीशन को फुलफिल करता है, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के आउटपुट के फॉर्म में आता है, और इसको नाम दिया जाता है जिसे इन्होंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, यू हैव टू वेव्स, दिस इज वन वेव, दिस इज अनदर वेव। After superposition, आपको आउटपुट जो है वो हाई इंटेंसिटी के फॉर्म में मिल रहा है, दिस इज कंस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव है। और यही टू वेव्स, अगर कोई मेरे पास दिस इज दैट टू वेव्स एंड द आउटपुट दिस इज आफ्टर सुपरपोजिशन, आउटपुट इज लाइक दिस। सो दिस इज नोन एज destructive interference। ये सब तुम लोगों ने 12th क्लास में भी किया हुआ है, तो इट्स नॉट नथिंग न्यू। तो अब उसको तुम कोरिलेट कर सकते हो एम्पलीट्यूड के साथ, कोरिलेट कर सकते हो इंटेंसिटी के साथ, सारे फार्मूला मैंने तुम लोगों के, कोरिलेट कर सकते हो फेज डिफरेंस के साथ, कोरिलेट कर सकते हो पाथ डिफरेंस के साथ। तो पहले केस में क्या होता है, यहां पर cos phi की जो वैल्यू होगा that cos phi that is equal to 1, in this case mein cos phi that is equal to -1, so agar -1 hai to ye destructive hoga, +1 hai constructive hoga। amplitude ke term mein karna chahoge to yahan par ho jayega a1 plus a2 hoga, isme hoga a1 minus a2। to sare ke sare jo terms hum log ne abhi tak low intensity ke liye discuss kiya hai wo sare terms jo hai wo destructive interference se corresponding hai, aur jitne terms jahan par hum log ne high intensity ke term mein discuss kiya wo sab ke sab jo hai wo constructive interference ke term mein aayega। Constructive interference this is either phi, the phase difference that must be equal to e1 multiple of phi, or path difference that must be equal to e1 multiple of lambda by 2। constructive interference ka condition hai। second, for the destructive interference interference this phi that must be odd multiple after 2n plus minus 1 phi। remember this phi ko plus minus 1 isliye likh raha hu kyunki kuch book mein tumne dekha ki 2n plus power 1 likha hai aur maine yahan pe 2n minus 1 likh diya, tum log aage chadhai kar do, bola ki sir yahan pe minus bataya hai,
जब वहां पे तो प्लस दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने बोला भाई चलो ना तेरा ना मेरा, इसको प्लस माइनस वन लिख देता हूँ, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी अपन कर लेंगे। तो दिस इज टू एन प्लस प्लस माइनस वन पाई आर लैम्डा दैट मस्ट इक्वल टू टू एन प्लस माइनस वन लैम्डा बाय टू। सो दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस। सर उसमें सिर्फ n की वैल्यू चेंज होगी ना, अगर प्लस लेंगे तो जीरो से चालू होगा और माइनस लेंगे तो वन से चालू। गुड बेटा, यस 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 यस, ये तो एक ऑब्जर्वेशन है। बुक्स में उस चीज को दिखा दिया रहता है, इफ n स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो देन यू हैव टू टेक प्लस, और अगर स्टार्ट हो रहा है वन से तो यू हैव टू टेक गुड वन। चलिए अब थोड़ा सा इसको और आगे डिस्कस करें। अब यहाँ पर थोड़ा कोहेरेंसी के बारे में देख लेते हैं। हमने कंडीशंस में सो द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, इसमें हम तीन चार पॉइंट लिखे थे, उसमें एक्सपेरिमेंटली अगर कोई इसको सेट करने की बारी आती है, इंटरफेरेंस को लाने की बारी आती है, तो बीम को पैरेलल रखा जा सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। बीम के वेलोसिटी का आइडेंटिकल रखा जा सकता है, बीम को पैरेलल रखा जा सकता है, बट एक्सपेरिमेंटली एक जो टर्म है कि कोहेरेंसी होना चाहिए, बीम जो है वो कोहेरेंट होना चाहिए, कोहेरेंट बीम, हाँ, इसको किस प्रकार से जनरेट किया जाता है, दिस इज द टेक्निकल टर्म, मींस वी नीड द कोहेरेंट बीम। अगर बीम अगर कोहेरेंट नहीं हुआ, हाँ याद रखना ये सारे सारे जो पांच कंडीशन बताए वो ऐसे नहीं सिंपल कंडीशन नहीं है, ऑल कंडीशंस आर एसेंशियल, सबके सब जरूरी है। अरे एक नहीं होगा तो चल जाएगा, वैसे भी बात नहीं, पांचों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ऑल कंडीशंस आर एसेंशियल, कोई उसमें डिजायरेबल नहीं है कि होगा तब भी चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा, ऐसा नहीं, सबके सब एसेंशियल कंडीशन है। तो उसमें एक एसेंशियल कंडीशन है कि आपको कोहेरेंट बीम चाहिए, कोहेरेंट बीम चाहिए मतलब इसका फेज डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट होना चाहिए। सो दिस कोहेरेंट बीम इट इज ऑब्टेन बाय दो मैथड से इस कोहेरेंट बीम को जनरेट किया जाता है। फर्स्ट मेथड इज बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। आपको दो बीम चाहिए बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ये तुम लोगों ने मतलब क्लास में भी पढ़ा है, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, यंग्स बाई स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें दो एक्सपेरिमेंट रहता है, फर्स्ट ए इन द यंग्स बाई स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट, सेकंड बी दैट इज फ्रेशनल, जो हम लोग इस सेमेस्टर पढ़ने वाले हैं, फ्रेशनल बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। इन दोनों एक्सपेरिमेंट में जो हम फ्रिंज लेते हैं या इंटरफेरेंस पर हम लगाते हैं, दोनों केस में कोहेरेंट बीम प्राप्त करने के लिए डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा आइडिया है तुम्हें क्या रहता है, एक ब्रॉड बीम ऐसा रहता है, एक ब्रॉड बीम है, सामने डबल स्लिट लगा दिए, दिस इज दैट स्लिट। तो ये जो अगर हम वेव थ्योरी पे जा रहे हैं, तो जहां पर हम वेव फ्रंट की बात करते हैं, तो ये जो वेव्स हैं, ये वेव्स एक्चुअली आगे ट्रेवल होता है फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स हम लेकर के चले, स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में जा रहे हैं। जैसे इस बीम में ये दोनों बीच में आए, यहाँ पर एक अलग से वेव फ्रंट यहाँ पे जनरेट होता है, दूसरा वेव फ्रंट यहाँ पे जनरेट होता है। ये है एक सिंगल वेव फ्रंट था, ये सिंगल वेव फ्रंट जो है जब स्लिट से ऐसा टकराता है तो दो अलग अलग वेव फ्रंट में डिवाइड हो जाता है, और ये दोनों वेव फ्रंट जो है वो दो अलग लाइट सोर्स की तरह काम करता है, मींस द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट इज टेकन। इस तरह से वेव फ्रंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और इससे आपको एक कोहेरेंट बीम मिलता है, दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। सेकंड बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके भी कोहेरेंट बीम हम ले सकते हैं।
एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके हम कोहेरेंट बीम ले सकते हैं, और इसके लिए पहला मेथड होता है दैट इज इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, ये तुम्हारे पास लेब में है न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें इसका मेरा यूज करते हैं। सेकंड माइकलसन, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर इसमें भी इस मेथड का यूज किया जाता है। ओके अब इसमें किस प्रकार का प्रोसेस होता है, एक फिल्मेक सरफेस है, लाइट इसमें इंसिडेंट होता है, दिस इज दैट लाइट बीम, और ये जो सरफेस है इस सरफेस में ये लाइट बीम जो है दो पार्ट में सब डिवाइड हो जाता है, वन दिस इज दैट रिफ्लेक्टेड पार्ट और सेकंड जो है दिस इज द रिफ्रैक्टेड पार्ट। इफ इट्स अ एम्पलीट्यूड इज ए देन दिस इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ए प्राइम एंड दिस इज ए डबल प्राइम, इसके बाद ये फर्दर और रिफ्लेक्ट होकर के दो बीम में कन्वर्ट होता है, जैसे दिस इज दैट सेकंड सरफेस देन यहां पे फिर से ये रिफ्लेक्ट होगा और ये आउटपुट आकर के इस प्रकार से आउटपुट आता है, तो एक एम्पलीट्यूड ये हो गया, दूसरा एम्पलीट्यूड ये हो गया और इस प्रकार से ये इसमें सिमिलरिटी रहती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो एक एम्पलीट्यूड जो है दो अलग अलग एम्पलीट्यूड में डिवाइड हो रहा है एंड दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। सो जब हम न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ते रहेंगे उस समय हम इसको और डिटेल करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करेंगे और पाथ डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर भी जब हम बाइसिलिट एक्सपेरिमेंट सॉरी फ्रेशनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर हम इस पर और डिस्कशन करेंगे और यहाँ पर भी पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हर जगह जब तुम लोगों ने यंग से डबल सिलिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो क्या किए थे, एक बढ़िया फर्स्ट क्लास डायग्राम बनाया और वहाँ पे पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किए। ओके अटेंडेंस देने का टाइम आ गया, कौन 53 करके भाग रहा है, मैंने तो नहीं कहा था अटेंडेंस देने के लिए, इसको एब्सेंट डालो रे। नहीं सर मैंने गलती से ली, नहीं गलती से नहीं किया बेटा, मैं जानता हूँ सब जानबूझकर गलती, बोले सर आपके जाने का टाइम हो गया हम लोग अटेंडेंस दे रहे हैं। अरे सर नहीं वो अचानक से मेरा लीव हो गया था ना, मैं इसलिए सोचा पहले से डाल देता हूँ। अच्छा पहले से डाल देते हैं, उसके बाद लीव हो जा रहा है, क्यों लीव हो जा रहा है नहीं पता सर, नहीं मालूम सर, दो बार ऐसे हो गया आज, लीव और जॉइन ऑटोमेटिक, लीव और ऑटोमेटिक जॉइन हो रहा है, कभी कभी नेटवर्क के इश्यू हो जा रहा है अपने आप, ऑटोमेटिक लीव हो रहा है। चलो भाई अब तो शौकुन माफ है, तुम सबने कह दिया तो बोल ही नहीं सकते तुम जानबूझ वाले में, नीचे स्क्रीन है सर डलवा दे फिर अटेंडेंस, ये सर नीचे का स्क्रीन नहीं दिख रहा। ओके सो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड वाले डायग्राम को मैं यहां पर डिजाइन कर देता हूं, चलिए ओके। सो इन द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड वी हैव दिस वन सरफेस, एक सरफेस है, इस सरफेस में एक लाइट बीम इंसिडेंट हुआ, दिस इज द फर्स्ट मीडियम, दिस इज द सेकंड मीडियम एंड एम्पलीट्यूड इज ए, यहां पर ये रिफ्लेक्ट हुआ और सेकंड पार्ट जो है ये सेकंड पार्ट इसमें रिफ्लेक्ट हुआ, सो रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन दोनों फेनोमेना जो है वो एक साथ यहाँ पे होता है, दिस इज इन द सेम मीडियम और ये दूसरे मीडियम पर, यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड ए है तो ये हो जाता है ए प्राइम और ये हो जाता है, इसके से बुक में इसको रिफ्लेक्टेड, सो दिस इज रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड के लिए इसको प्राइम के साथ डबल प्राइम ऐसा करते हो, क्योंकि आर रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन में आ रही है ना, या कहीं कहीं इसको ए टी ऐसा लिख देते हैं, इसलिए मैं जनरली इसको ए प्राइम और ए डबल प्राइम लिखता हूँ। सो ए प्राइम एक एम्पलीट्यूड, दूसरा एम्पलीट्यूड ए डबल प्राइम। इंटरफेरेंस कैसे होता हुआ, एक और सरफेस यहाँ पर है, इस पार्ट से ये रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गया और इसमें आउटपुट के फॉर्म में ऐसा है। अब ये दोनों बीम पैरेलल है, वेलोसिटी को भी हम लोग आइडेंटिकल करने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेशन में वो चीज लाया जाता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल है क्योंकि मीडियम में चीज जाने से फ्रीक्वेंसी में फर्क नहीं पड़ता, सेम फ्रीक्वेंसी होता है और चूंकि सेम सोर्स से आ रहा है, सेम सोर्स से आ रहा है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड तो कोहेरेंट भी होता है, तो ये सारे जो है वो इंटरफेरेंस कंडीशन को फुलफिल करता है और आपको आउटपुट पैटर्न मिलता है। ये अलग बात है कि इस केस में जो पैटर्न मिलता है वो ऐसे डिफरेंट लाइंस के फॉर्म में मिलता है, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क लाइंस, जबकि न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में तुमको अल्टरनेट ब्राइट और डार्क रिंग्स के फॉर्म में आउटपुट मिलता है।
वो जो पॉइंट्स था, वो जो पॉइंट्स था वो तो सिंगल सा वन डायमेंशनल ये था। जब उस चीज को थोड़ा सा ब्रॉड किया जाता है तो जहां पर ऐसा डार्क पॉइंट है वो डार्क पॉइंट डार्क लाइन पे फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है, ब्राइट पॉइंट जो है वो ब्राइट लाइन से फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है इफ यू हैव ग्रुप ऑफ वेव्स इन अ पार्टिकल पैटर्न। यहां पर भी ऐसे जो डार्क पॉइंट है सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में, सर्कुलर डार्क पॉइंट्स हैं तो ये न्यूट्रल स्ट्रिंग के बीच में आते हैं। ओके सो दिस इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट बीम। इस तरह से ये हम कोहेरेंट बीम इसमें प्राप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेशनल्स बाइप्रिज्म। दो एक्सपेरिमेंट है, एक डिस्कस किया जाएगा फ्रेशनल बाइक रिंग और दूसरा है हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स रिंग। दोनों मेथड में से एक एक ले लेंगे, है ना। एक ये वाला मेथड यूज करेंगे, दोनों में से एक एक मेथड ले रहा है क्योंकि यंग से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने ट्वेल्थ में कर लिया है तो मजा नहीं आएगा, है तो एक नया और डाल दिया फ्रेशनल बाइक रिंग हम लोग इस सेमेस्टर में कराएंगे। तो लास्ट नेक्स्ट क्लास में लोग फ्रेशनल बाइक रिंग में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यूशन फिर न्यूटन्स रिंग जो कि तुम्हारा लेबोरेटरी में भी है इस तरह से इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, क्यों भाई? यस सर, यस सर, वाइज ये भी सर सैटरडे के दिन। हां सर अटेंड